डॉक्टर वाई एस परमार पीजी कॉलेज नाहन में चल रहे 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का समापन हो गया। इस प्रोग्राम में जिला के अलग अलग महाविद्यालय से 29 प्रोफेसरों ने हिस्सा लिया। मीडिया को जानकारी देते हुए डॉक्टर वाई एस परमार पीजी कॉलेज नाहन की प्राचार्य वीना राठौर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट शिमला और पीजी कॉलेज नाहन के संयुक्त तत्वाधान में ये 7 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसका विधिवत समापन हो गया है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के संयुक्त निदेशक डॉक्टर राजीव बंसल ने अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों पर जानकारी उपलब्ध करवाई। ये जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल जो हमारे महाविद्यालय का है और स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट शिमला, इनके तत्वाधान में ये आयोजित किया गया और लगभग 35 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें भाग लिया है, सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया है। और ये जो कार्यक्रम है, हम सब जानते हैं कि आज से लगभग 5 या 7 साल पहले अगर मैं कहूँ तो हमारा जो पढ़ाने का कार्यक्रम था वो काफ़ी रहता था और ऑफिस का वर्क जो है वो टीचर्स को कम हैंडल करना पड़ता था, लेकिन रीसेंट समय में आने वाले समय में भी मैं देख रही हूँ कि टीचर्स को पढ़ाने के साथ साथ और काम जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको एनहांस करने की बहुत आवश्यकता थी। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कार्यक्रम 7 दिवसीय ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। महाविद्यालय के इतिहास में भी ये पहली बार हुआ है कि इस तरह का कार्यक्रम महाविद्यालय में आयोजित किया गया है और हमारे सभी प्राध्यापकों ने यहाँ पर जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट से हमारे पास डॉक्टर राजीव बंसल जॉइंट डायरेक्टर हैं, वहाँ पर उन्होंने चैलेंजेस एट वर्कप्लेस एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपीरियंसिंग इफेक्टिव वर्कप्लेस कम्युनिकेशन लिसनिंग इफेक्टिवली एंड नोटिंग फाइल सिस्टम एंड डॉक्यूमेंटेशन और रिटन कम्युनिकेशन इन गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों पर व्याख्यान दिए जिससे कि टीचर्स को अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं उनको बढ़ाने में मदद मिली है। इसी तरह से श्री विजयपाल सिंह जी हैं जो जिन्होंने हिपा में काम किया है, उन्होंने जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, बेसिकली ही इज़ फाइनेंस ऑफिसर, अप्रूवल्स एंड सैंक्शंस किस तरह से होती हैं, टेक्निकल एक्सपेंडिचर सैंक्शंस किस तरह से होती हैं, गवर्नमेंट के कंडक्ट रूल्स या CCS रूल्स जो हैं हमारे सरकार के, उन सब पर अपने व्याख्यान दिए। और निश्चित रूप से मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे सभी प्राध्यापकों को, जिसमें कि संस्कृत कॉलेज के प्राध्यापक भी यहाँ पर थे और हिमालयन इंस्टीट्यूट कालाम के प्राध्यापक भी थे, सबको बहुत इससे लाभ हुआ होगा और डेफिनेटली उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें इजाफा हुआ होगा।